जल शक्ति विभाग मंडल एवं उपमंडल फतेहपुर के अधीन 795.32 लाख की लागत से चाटा में बनने वाली पेयजल योजना खटियाड़ से पीने का पानी टैंक में डालने से खटियाड़ वासियों में खुशी की लहर है। अब खटियाड़ वासियों को पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। जिला कांगड़ा के तहत फतेहपुर के चाटा में बनने वाली पेयजल योजना से लोगों को अब पेयजल मिलना शुरू हो गया है, जिसे लोगों में खुशी की लहर है। प्रदेश सरकार व विभागीय आदेशों के बाद विभाग ने पानी भंडारण टैंक में डाल दिया है, जिस पर खटियाड़ वासियों ने खुशी जताते हुए ख्वाजा पीर की पूजा करवाई। पूजा में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की अन्य समस्याओं को भी सुना। कृपाल परमार ने कहा कि इस पेयजल योजना की मेन पाइप चाटा से खटियाड़ की लंबाई 11 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि पानी टैंक में डाल दिया गया है, जिस पर उन्होंने विभाग का आभार व्यक्त किया। इस पेयजल योजना से करीब 19 गांव के 8000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खटियाड़ में निर्माण होने वाले मेन टैंक का कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। वांग डैम के किनारे पर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव खटियाड़, जहां पर लोगों के मन में जो धारणा थी कि पोंग डैम में हमें डूबने के लिए तो पानी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं, इस कहावत को हमारी सरकार ने गलत साबित किया है, उसको दुरुस्त किया है। और ये 19 गाँव में लगभग 8000 लोगों की आबादी के लिए 8 करोड़ की लागत से बनने वाली ये स्कीम, जिसका पानी चाटा से उठाया गया है और आज सावन के महीने में इन लोगों की प्यास को बुझाने का काम जो है वो जयराम जी की सरकार ने किया। आज खटियाड़ के स्कूल के पास जो एक बहुत बड़ा टैंक बना है, उस टैंक में जल भराव का काम शुरू हुआ, उसको देखने का मौका मिला और आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदेश सरकार का और जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, जिसके तहत लोगों के उन लोगों के घरों में, जिन लोगों के घरों में आज तक नल नहीं थे, उन लोगों के घरों में नल मिलेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और जयराम सरकार को कि उन्होंने पहले घरों में शौचालय, फिर रसोई में गैस और अब आंगन में नलका देकर इस इलाके की माताओं की एक बहुत बड़ी समस्या को पूरा किया है। और लोग भी आज खुश हैं, उनको लगता है कि आज 70 साल बाद उनको वाकई ही आज़ादी मिली है और उनके पीने वाले पानी की समस्या खत्म। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।